हेलो एवरीवन वेलकम बैक इन अवर चैनल दोस्तों आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों मैं हूं कपिल तो आज की इस वीडियो में एक नाइस एक्सपोनेंशियल इक्वेशन को आज हम देखेंगे जो कि आपका मैथ ओलंपियाड से हमने यहां पे लिया हुआ है क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सो देखिए क्वेश्चन में आपसे बोला गया है फोर एच टू दी पावर एक्स प्लस फोर एच टू दी पावर एक्स प्लस फोर एच टू दी पावर एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड नाइन्टी टू देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस फोर का वैल्यू आपका क्या आएगा और इक्वेशन आपका दे रखा है सो so, कैसे इस क्वेश्चन को पहले एक्स के लिए सॉल्व करेंगे देन बी सॉल्व दिस क्वेश्चन एक्स प्लस फोर ओके पहले हम एक्स का वैल्यू फाइंड करेंगे देन उसके बाद एक्स प्लस फोर के वैल्यू पर हम जाएंगे तो so, सबसे पहले हम ये देखेंगे इस इक्वेशन के लिए जो एक्स है वो हमारा क्या रहेगा सो बिफोर दैट इफ यू आर न्यू इन अवर चैनल प्लीज डोंट फॉरवर्ड द लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ओके सुनाओ क्वेश्चन आपका दे रखा है फोर की पावर एक्स प्लस फोर का पावर एक्स प्लस फोर का पावर एक्स इजिकल टू वन हंड्रेड नाइनटी टू ओके टेल मी वन थिंग एक बात जरा आप मुझे बताइएगा क्या मैं फोर एच टू दी पावर एक्स क्या इन तीनों में से टर्म में से कॉमन में ले सकता हूँ कि नहीं यस मैं इस वजह से फोर टू दी पावर एक्स को कॉमन ले सकता हूँ जब मैं इस वजह से फोर का पावर एक्स कॉमन लूंगा सो वी विल गेट फोर टू दी पावर एक्स ब्रैकेट वन प्लस वन प्लस वन इक्वल्स टू वन हंड्रेड नाइन्टी टू आपका यहाँ पे रह जाएगा मैंने क्या किया फोर का पावर एक्स तीनों टर्म से कॉमन ले लिया फोर का पावर एक्स कॉमन आ गया इसके प्लेस पे वन रह गया इसके प्लेस पे भी वन रह गया इसके प्लेस पर भी आपका वन रह गया ना जब हम इन तीनों वंस को ऐड करेंगे सो वी विल गेट फोर की पावर एक्स इंटू थ्री इक्वल टू वन हंड्रेड नाइन्टी टू आपका यहाँ पे आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा और थ्री से अब क्या करना है अब इस थ्री से आप इस टर्म को कट भी कर सकते फोर का पावर एक्स इक्वल टू वन हंड्रेड नाइन्टी टू डिवाइडेड बाई थ्री अब ये जो इस थ्री से ये जो वन हंड्रेड नाइन्टी टू है वो आपका आप कट होगा कितने टेन सिक्सटी फोर टेन सो ना रिमेनिंग टर्म इज़ दैट फोर एच टू द पावर एक्स इजिकल टू सिक्सटी फोर सो बाकी बची वो टर्म आपके आगे फोर का पावर एक्स इजिकल टू सिक्सटी फोर एंड अगेन टेल मी वन थिंग आई कैन राइट दिस सिक्सटी फोर इन द फॉर्म ऑफ फोर रेज टू द पावर थ्री फोर एच टू द पावर थ्री आई कैन राइट येस अफकोर्स आई कैन राइट बिकॉज फोर एज टू द पावर थ्री इज इक्वल टू सिक्सटी फोर बिकॉज फोर रेज टू द पावर थ्री को हम लिख सकते हैं फोर इंटू फोर इंटू फोर जो कि आपका इक्वल होता है किसके सिक्सटी फोर के मैंने क्या किया थ्री से कट किया सिक्सटी फोर टाइम कट हुआ फोर का पावर एक्स इजिकल टू सिक्सटी फोर सिक्सटी फोर को मैंने फोर के बेस में यहाँ पे चेंज करके लिख दिया एंड नाउ आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा बेस आपके यहाँ पर सेम हो चुके हैं जब भी आपके बेस सेम होते पावर का हम कंपेयर कर लेते हैं So, जो एक्सपोरियसि प्रॉपर्टी हमसे बोलता है ए रेज टू द पावर एन इक्वल टू ए रेज टू पावर एन जब आपके बेस अगर आपके सेम होते हैं तो पावर का हम कंपेरिजन ईजीली कर लेते हैं सो वी कैन राइट एम इक्व टू एन लुक एट हेयर बेसिस आर सेम हमारे बेस के यहाँ पे सेम है सो वी कैन कंपेयर द पावर इजीली सो वी कैन राइट x इज इक्ल टू थ्री अब इस इक्वेशन के लिए जो आपका x का वैल्यू है बच्चों वो आपका आ चुका है थ्री नाउ लुक एट द क्वेश्चन क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछा गया किसका x प्लस फोर का अब इजीली हम इस क्वेश्चन को x प्लस फोर के लिए सॉल्व यहाँ पे कर सकते हैं सो so, आपसे पूछा गया x प्लस फोर का वैल्यू आपका कितना होगा x प्लस फोर और x का वैल्यू कितना आ गया थ्री सो थ्री प्लस का फोर इज इक्वस टू सेवन तो x प्लस फोर का जो वैल्यू होगा इस इक्वेशन के लिए वो आपका सेवन आएगा एंड आई होप एवरीथिंग इज क्लियर नाउ अगर आपका कोई भी डाउट रह गया तो यू कैन प्ले दिस वीडियो अगेन सो थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू सीन इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन थैंक यू टेक केयर